सो फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा किसी भी एक ब्राउजर में। तो देखिए, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो। तो देखिए, मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद आपको जाना होगा सर्च बार में। तो सर्च बार में जाके आपको टाइप करना होगा www.nbsp.in। तो देखिए, सर्च करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि जो न्यू पोर्टल है, न्यू पोर्टल भी आपको इधर दिखेगा और सर्च इन इलेक्टोरल रोल जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो इसमें जाके आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से एक इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद एक फॉर्म इधर शो हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है, आपने ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया था, तो फॉर्म फिलअप के बाद आपको एपिक नंबर नहीं मिला है, तो आप कैसे पता कर सकते हो? तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, जिसमें आपका नेम, आपका एज, आपका फादर नेम, आपका जेंडर, आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेम इधर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद जो कैप्सा इधर दिया हुआ है, तो कैप्सा को पुट करके आपको सर्च कर देना है। तो इसमें एक दिक्कत है, आप जो डिटेल्स इधर इंटर करेंगे, सेम टू सेम डिटेल्स आपका ऑनलाइन में होना चाहिए। अगर होगा, दोनों में मैच होगा, तभी जाके आपका डिटेल्स यानी जो आपके एपिक नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है इधर निकल के आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये हो गया अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो। और देखिए, अगर आपके पास एपिक नंबर है तो सर्च बाय एपिक नंबर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में जाके आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ जो एपिक नंबर से सर्च करने वाला। तो इसमें जाके आपको क्या करना होगा, आपका जो एपिक नंबर है, फर्स्ट में आपका एपिक नंबर इधर एंटर करना होगा, फिर आपका जो स्टेट है, स्टेट को इधर सेलेक्ट कर लेना होगा। इंडिया के जितना भी स्टेट है, सभी स्टेट इधर शो हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आपको क्लिक करना है और जो भी स्टेट आपका है वो चूज कर लेना है। फिर जो कैप्सा है, कैप्सा को इधर अच्छी तरह से फिल करना है, फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए, मैंने सब कुछ इधर पुट कर दिया, यानी मेरा जो एपिक नंबर है और जो मेरी स्टेट है। फिर आपको एक कैप्सा को पुट कर देना है और सर्च में जाके क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे, इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगी। इधर देख सकते हो, तो आपका डिटेल्स है, जैसे कि आपका नेम, आपका एपिक नंबर, आपका एज, आपका फादर नंबर। फिर जाना होगा आपको व्यू ऑफ डिटेल्स पर। तो इसमें जाकर आपको क्लिक करने के बाद आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपका स्टेट, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका एपिक नंबर, आपका फादर नेम, आपका पार्ट नंबर, आपका सीरियल नंबर, मतलब सब कुछ इधर मेंशन रहेगा और आपका सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक रहता है तो आपको फॉर्म दिया गया है ऊपर, आप देख सकते हो, फॉर्म 8, फॉर्म 7। तो इसमें जो कलेक्शन वाला फॉर्म है, उसमें आप क्लिक करके आपका कलेक्शन भी कर सकते हो, और जो आपका VLO, ERO या DEO जो भी है, उनसे आप बात भी कर सकते हो। तो इसमें आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हो। अगर आपके पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है, तो इस जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से आप डुप्लीकेट वोटर आई डी कार्ड बना भी ले सकते हो। अगर नहीं बनाना है तो आप इस टाइप से इसको प्रिंट आउट करके रखिए। जो भी काम में आपको वोटर आई डी कार्ड चाहिए, उस काम में आप इस वोटर इन्फॉर्मेशन को दे के उस काम को करवा सकते हो, बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ही वोटर फुल इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है। तो अगर आपको निकलना है तो आप इस प्रोसेस से निकल सकते हो और आपका जो भी काम में यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।